यह कहानी है भयावह आपदा की। जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। Earthquake in India has made headlines around the world। मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। चारे बजाम समझो दारू के मोटा बॉम्ब फूटी गया हुई। ये कहानी है जीवन और मृत्यु के संघर्ष की। इतना बड़ा विघ्न होता। Mass funeral pyre। ये कहानी है समाज के प्रति सेवा निष्ठा की। पड़ाव नाख्यो छे। अंदर एक माणस जीवतो हतो एने काढवा माटे संतोए मेहनत करी। ये कहानी है मौत के पंजे से छूट कर निकले हुए लोगों की। ये कहानी है भगवान के प्रति अटल विश्वास की। कुसुम बेन जी ने हनुमान चालीसा नो पाठ करता था। ये भगवान अपने सर्व प्रकारे सहाय करे छे। ये कहानी है एयरफोर्स के एक जांबाज विंग कमांडर की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। ये कहानी है देश के लिए समर्पण की। आर्मी में प्लानिंग होती है, प्रिपरेशंस होते हैं, परमिशन लेवानी अने पछी त्यां स्थळ ऊपर बधु काम करवानुं। इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इज नॉट इजी। And only those who are spiritually pure can sincerely serve the society and serve the nation. ये कहानी है शून्य से सर्जन की। देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा। ये कहानी है एक महापुरुष के निस्वार्थ प्रेम की। एक ओर है कुदरत का कहर और दूसरी ओर है सच्चे संत की करुणा। कहर और करुणा की ये कहानी हमें आपको है सुनानी। The 2001 गुजरात अर्थक्वेक 12 नवंबर से हर शनिवार को